तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कि कॉल बैक हेल होता क्या है। तो कॉल बैक हेल एक्चुअली ये होता है कि हम एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम बार बार उसी फंक्शन के अंदर कॉल करते, उसको बोलते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे एक ड्यू क्रिएट किया है जिसको हमने कुछ ऐसी स्टाइलिंग दी है, इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज करने वाले। तो यहाँ पे हमने उस ड्यू को सिलेक्ट कर लाया। अब क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो कलर है बैकग्राउंड कलर उसको चेंज करेगा, और वो तीन चीजें आर्गुमेंट में लेगा। पहला, कौन सा कलर चेंज करना है, कितना डिले देना है क्योंकि हम यूज करने वाले हैं अपना सेट टाइम आउट फंक्शन, और लास्ट में अगर नेक्स्ट कलर हुआ तो उसको चेंज कर दो। तो इसके अंदर हम लिखेंगे अपने सेट टाइम आउट को। तो सेट टाइम आउट को हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लिखना है डिले। अगर आपने सेट टाइम आउट फंक्शन का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे हमारा डिले होता है, ये होता है मिनी सेकंड में। मतलब हमने सपोज 1000 लिखा तो 1000 का वो होगा 1 सेकंड। तो इसके अंदर हम लिखेंगे अभी हमारा जो एक्चुअल काम है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ड्यू डॉट बैकग्राउंड स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इसको हमें चेंज करना है। तो कौन सा कलर रखेंगे, जो आर्गुमेंट में है हमारा वही कलर, और लास्ट में नेक्स्ट बचा। तो इसका क्या यूज है, इसका यूज है अगर नेक्स्ट कलर हुआ तो उस नेक्स्ट को एग्जीक्यूट कर दो। ये इस नेक्स्ट का यूज। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन रेडी। तो इसको कैसे कॉल करना है हमें, सपोज हमें एक कलर इसको चेंज करना है रेड, तो यहाँ पे हम उस कलर चेंज को कॉल करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे रेड और बाद में उसके आगे लिखेंगे डिले। मतलब 1000 लिखा तो 1 सेकंड, 2000 लिखा तो 2 सेकंड। तो ऐसा हमने लिखा। और अभी देखो 1 सेकंड बाद ही हो रहा है, देखो रिफ्रेश करता हूँ वापस, 1 सेकंड बाद हो गया। तो ये अगर हमने इसको ऐसे ही बार बाद में एक बार कॉल किया सपोज अलग कलर के साथ, तो यहाँ पे देखो वो रेड कलर होगा ही नहीं, वो पिंक ही होगा डायरेक्ट। इसलिए हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें फंक्शन की इस कॉल की हुई फंक्शन के अंदर वापस से उसको कॉल करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट की जगह हम यहाँ पे लिखने वाले अपने कॉल बैक फंक्शन को, उसके लिए हमें यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज करेंगे। वापस से इसके अंदर यूज करेंगे अपने कलर चेंज का। कलर चेंज के अंदर हमें जो कलर चाहिए उसको लिखेंगे, और वापस से हम लिखेंगे अपना डिले। अब इस बार देखो क्या होगा, रेड कलर हुआ, 1 सेकंड बाद पिंक कलर हुआ। तो ये ऐसे यूज होगा हमारे कॉल बैक फंक्शन का। अभी हमें सपोज उससे ज्यादा कलर रखने, तो देखो इस पिंक के अंदर हमें वापस दूसरे कलर को कॉल करना होगा। अभी इसको यहाँ पे लिखेंगे कलर चेंज, यहाँ पे सपोज ब्लू लिख दिया, डिले हम 1000 का ही देंगे, और इसके आगे कोई कलर चाहिए तो वापिस से एरो फंक्शन, इसके अंदर यूज करेंगे कलर चेंज, वापिस से यहाँ पे लिखेंगे सपोज ग्रीन लिखा, देन उसके आगे हमारा आएगा डिले 1000 ले लिया। तो सपोज इतने तक हम गए। तो देखो रिफ्रेश करने के बाद पहले रेड हुआ, फिर पिंक हुआ, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। तो ये होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो ये कैसे कॉल बैक फंक्शन है, ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि ये यूज कहोगे, पर एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे उसके अंदर ऐसे हमारे कॉल बैक हेल होते हैं। तो क्या करेंगे, ये कॉल बैक हेल हमें लिखने के लिए कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। मतलब अगर कुछ हमें थाउजेंड्स कलर लिखने हो तो ऐसे हम नहीं लिख सकते फंक्शन के अपने कॉल किए हुए जो ये है उसके अंदर वापिस कॉल करो, उसके अंदर वापिस कॉल करो, उसके अंदर वापिस, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। इसलिए हम यूज करते हैं प्रोमिसेस का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोमिसेस क्या होते हैं।